गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी शैली। एंड आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट करी है और स्पेशली अब वेडिंग की सीजन चल रही है तो मैंने सोचा ये वीडियो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए। और मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरे कज़न की भी शादी थी, तो अब वो शादी हो चुकी है तो मैंने सोचा अभी मैं ये वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने ये वीडियो बना लिया। और हाँ, ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, कमेंट भी जरूर करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो छोटू सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। और आप लोगों को मैं पर्सनली पसंद हूँ तो आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, उस सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस वीडियो में मैं जो जो प्रोडक्ट यूज़ करी है उसमें से कुछ प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन से खरीदी थी और कुछ प्रोडक्ट मैं लोकल शॉप से भी खरीदी थी। तो जो जो प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन से खरीदी थी उस सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो आज का वीडियो शेयर करते हैं। फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ निविया की एलो हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर। ये मैं मेरी पूरी फेस पे अच्छी तरह से लगा लूँगी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ M&M की मेकअप प्राइमर। इसे भी मैं मेरी हैंड की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं एक डार्क ब्राउन कलर की मदद से मेरे आईब्रो को फिलअप कर लूँगी। अभी मैं मेरे आईब्रो को शार्प दिखाने के लिए मेबलिन की कॉन्सीलर लेके एक ब्रश की मदद से मेरे आईब्रो को शेप दूंगी और इसे भी ब्लेंड कर लूंगी। लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की लिप बम यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं आई मेकअप के बेस के लिए सेम कंसीलर लेके मेरी पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी और इसे भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आई मेकअप के लिए मैं पहले एक ब्राउन शेड लेकर मेरे पूरे आईलिड पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं एक पिंकिश शिमर शेड लेकर मेरी आई की हाफ पोर्शन तक अच्छी तरह से लगा लूँगी। मैं यहाँ पे इसे एक ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो अपनी फिंगर की मदद से भी इसे अप्लाई कर सकते हो। फिर से मैं सेम ब्राउन शेड लेकर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई लाइंस विजिबल ना हो। अभी मैं एक डार्कर शेड लेकर मेरी आउटर कॉर्नर पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं लाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे की इंस्टा लाइनर। अभी मैं मेरे जो फॉलआउट्स हुए हैं उसे मैं एक ब्रश की मदद से क्लीन कर लूँगी और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फाउंडेशन। ये मेरे स्किन टोन से थोड़ी सी लाइट है क्योंकि मैं जब इसे ख़रीदी थी तब मुझे इसके बारे में उतने ज़्यादा नॉलेज नहीं थे, बट बिलीव मी गाइस इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद ठीक ठाक ही लगेगी, कोई वाइट भूत फूत जैसे नहीं लगेगी। परफेक्ट ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ब्रश की मदद से ब्लेंड करने के बाद स्पॉन्ज से भी ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं मेबलिन की सेम कंसीलर लेके मेरी फेस की हाइलाइटेड जोन पे अप्लाई कर लूँगी और इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। फिर से मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड करने के बाद स्पॉन्ज की मदद से भी ब्लेंड कर लूँगी। इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 की कॉम्पैक्ट।
कजल के लिए मैं ये ऐप यूज़ कर रही हूँ, ब्लू हेवन की ब्लू कजल, एंड इसे भी मैं एक ब्राउन शेड की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं एक सिल्वर ग्लिटर लाइनर लेकर मेरी आई की इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ और मेरी लाइनर की आउटर कॉर्नर पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निकैक की कॉन्टोरिंग पैलेट। ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ द फैशन फैक्ट्री की ब्लशर पैलेट। इसमें एक पैलेट में ही 6 कलर मिलती है। हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ 925 की लिपस्टिक इन दिस शेड 23। नाउ आई अप्लाइंग मेबेलिन द क्लॉसिल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा एंड इट इज़ द फाइनल लुक।